अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल कुक विद नाज। आज मैं आपके साथ झटपट से बनने वाली कैरी का अचार यानी कच्चे आम के अचार का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कैरी ली है। इसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले हमने पैन पर 4 टेबल स्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके बाद 8 से 10 कलियाँ लहसुन को, जिसे हमने लंबे लंबे में चॉप कर लिया है, इसको तेल में ऐड करके इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे और इसके बाद 2 टेबल स्पून येलो वाली दाल, जिसे हम अचारों में यूज़ करते हैं। इसके बाद थोड़ा मिक्स कर लें इसको और इसके बाद 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अचार का। इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखें, ये नहीं तो हमारे मसाले एकदम से लाल होकर जल जाएंगे। इसलिए देखिए, इस तरह से हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम यानी कि गैस को 1 मिनट के लिए ऑफ़ कर देंगे। देखिए, इस टाइम पे हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी और नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम पे हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसका फ्लेम लो कर देंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा देर भूनेंगे नहीं, क्योंकि मसाले ज़्यादा देर भूनने से काले पड़ जाएंगे यानी कि जल जाएंगे। हमने यहाँ पर कैरी के अचार को और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून जागरी यानी कि गुड़ को ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जो ग्रेट की हुई हमने कैरी है उसको ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर मीठे के तौर पर गुड़ को ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर यानी कि चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम कैरी को मसालों के साथ और इसको कम से कम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पैन को कवर करके कुक कर लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं हमारी कैरी को पकते हुए मसालों के साथ। देखिए, ये अच्छे से पक गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो रेडी है हमारा कच्चे आम का झटपट से तैयार होने वाला अचार, जिसे आप कैरी का अचार भी कह सकते हैं और कैरी की चटनी भी कह सकते हैं। देखिए कितनी गजब की चटपटी बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। मेरी और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।